ओम शांति। परम धाम परम अवस्था है, तो रही हुई आत्माएं कहां रह रही है? हमारा शांति धाम कहां है? परम धाम आत्मा की परम अवस्था है, वहां आत्माएं और परमात्मा दोनों एक ही अवस्था में होते हैं। कोई संकल्प नहीं, बोल नहीं, कर्म नहीं, हिलना डुलना नहीं। कोई आपस में चर्चा नहीं, दृष्टि तक नहीं, शरीर ही नहीं। अब जो आत्माएं इस पृथ्वी पर नहीं है, आखिर वो कहीं तो हैं? आखिर हमारा वो शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, हम आत्माओं का घर कहां है? कोई तो जगह होगी ना जहां हम सब आत्माएं रहती होंगी। इतनी सारी आत्माएं कहीं तो रहेंगी ना। इसके लिए हमें सबसे पहली बात समझनी है कि आत्मा का साइज जीरो। आत्मा का साइज जीरो होने के कारण उसका वॉल्यूम भी जीरो। लंबाई जीरो, चौड़ाई जीरो, ऊंचाई जीरो। उसकी कोई भी आकृति नहीं बना सकती। शांति धाम मीन्स जहां आत्मा को संकल्प भी नहीं, डेड साइलेंस है। जो परम धाम में शांति है वो संसार में और कहीं भी नहीं हो सकती। तो आत्माओं का साइज जीरो, आत्माओं का आयतन जीरो, आत्माओं का वजन जीरो। जब आत्माएं जीरो होती हैं तो परम अवस्था में होती है, उन्हें अपनी स्मृति रहती है तो परम अवस्था में होती है। तो आत्माएं, एक को कोई स्पेस नहीं चाहिए। एक आत्मा कहीं भी चली जाए, पानी में चली जाए, सॉलिड में चली जाए, लिक्विड में चली जाए, गैस में चली जाए, उसके आयतन के कारण, उसके वजन के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका होना या ना होना इसका कोई महत्व नहीं रखता। आत्मा जितनी भी इकट्ठी हो जाएंगी तो उनका साइज भी जीरो होगा। एक अरब आत्मा इकट्ठी हो जाए तो उन एक अरब आत्माओं का साइज भी जीरो होगा। उसको रहने के लिए जगह भी कोई जरूरत नहीं होगी। हमें समझ में आया कि कितनी भी आत्माएं हों उनको रहने के लिए कोई स्पेशल स्थान की जरूरत नहीं।
वो कहीं पर भी किसी भी समय कैसे भी समय समय पर उस जगह को ऑक्युपाई कर सके। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। कोई प्रश्न पूछना हो तो केवल 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।